नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। दरअसल राजधानी लखनऊ में आरएलडी की बैठक हुई है, जिसमें जयंत चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से कई अहम मुद्दों पर पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा की है। इस बैठक को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय लोक दल ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में आरएलडी को सिर्फ एक सीट मिली। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद आरएलडी फिर से गठबंधन को लेकर विचार कर रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक सीट मिलने के बाद पार्टी के कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि जयंत चौधरी ने फिलहाल गठबंधन में सब कुछ ठीक होने की बात कही है और साफ तौर पर कहा है कि विपक्षी गठबंधन आरएलडी की बड़ी भूमिका है। तो ऐसे मुद्दे पर कांग्रेस आज की बड़ी बहस का एक खास पैनल रहेगा हमारे साथ। तो लेकिन उससे पहले आपको जयंत चौधरी का बयान सुनवाते हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। हम संदेश देंगे और आने वाले समय में हमारी कैसी गतिविधियां होंगी। विपक्षी एकता में लोकदल की बड़ी भूमिका है राष्ट्रीय स्तर पे, उसको हम बात को दोहराएंगे। राजनीतिक, आर्थिक और कृषि के क्षेत्र में हमारी क्या नीतियां हैं, किस तरह से उन नीतियों को जनता तक पहुंचाना है, कुछ प्रस्ताव आज राज्य कमेटी में तय। देखिए, थोड़ी बहुत मायूसी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन हताशा नहीं है। हम अगली लड़ाई के लिए फिर तैयार जी। महत्वपूर्ण बैठक है राज्य पे, हमने एक नई टीम बनाई है, आगे भी इस टीम में विस्तार होगा और लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा, लेकिन आज प्राथमिक तौर की बैठक है। रणनीति बनाएंगे और उम्मीद करता हूं कि अच्छे एक मुद्दों को लेकर हम चलेंगे, चुनाव के मसौदे को भी तैयार करेंगे। आर्थिक, राजनीतिक और कृषि क्षेत्र में कुछ विशेष प्रस्ताव यहाँ की टीम ने तय किए हैं, उन पर हम लोग अमल करेंगे। थैंक यू। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी जमीनी तैयारी शुरू कर दी है और ऐसे में अगर बात की जाए राष्ट्रीय लोकदल की, तो लोकदल ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ में हुई आज बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बताते चले कि इस बैठक में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से कई अन्य मुद्दों पर पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा की। आरएलडी के लखनऊ स्थित त्रिलोकी नाथ मार्ग के पार्टी कार्यालय में हुई इस बैठक के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के तालमेल में कमी नहीं है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर जो बात कही वह बिल्कुल सही है, हम उसका समर्थन करते हैं और जल्द से जल्द सीट शेयरिंग तय होगी, साथ ही जिससे इंडिया गठबंधन पूरे तैयारी के साथ चुनाव लड़ सके। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और राष्ट्रीय लोक दल ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में आरएलडी को सिर्फ एक सीट मिली थी। सूत्रों के अनुसार इस चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद आरएलडी फिर से गठबंधन को लेकर विचार कर रही है और राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक सीट मिलने के बाद पार्टी के कई नेता नाराज भी हैं। तो जिस तरीके से आज बैठक हुई है, खुद जयंत चौधरी भी मौजूद थे और जिस तरीके से सभी पार्टियां अब लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं, अपनी अपनी तैयारियां जमीनी स्तर पर कर रही हैं, ऐसे में राष्ट्रीय लोक दल की अगर बात की जाए तो वो भी अपनी पूरी जोर तोड़ की जो मेहनत है वो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिखाना चाहती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैंने निकिता सरी। तो बड़ी बहस में आज चर्चा करेंगे क्या सभी पार्टियों में ऑल इज वेल है, क्या रणनीति है और 2024 से पहले क्या कुछ एक दूसरे से बातचीत हो रही है। इंडिया गठबंधन अलायंस पे भी बात करेंगे। बाद साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। तमजीम अहमद साहब हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत। रजनीकांत मिश्रा, प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ है और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत रजनीकांत मिश्रा जी, मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि क्या कुछ रणनीतियां हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है पार्टी में। चार दिन ले लेते सर। भाई साहब, रणविजय मौर्य नाम है हमारा जी, और पार्टी में एक प्रश्न जरा दोबारा पूछेगा भैया। मेरा सवाल ये कि पार्टी में आपके सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है, रणनीतियां सही चल रही हैं? बिल्कुल, सभी कुछ बढ़िया चल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज प्रदेश कार्य समिति
की बैठक थी, संबोधन था, कार्य समिति की बैठक ले रहे थे, सब कुछ हमारे यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। आज कई बिंदुओं पे चर्चा हुई है, संगठन के विस्तार पे चर्चा हुई है, प्रदेश कमेटी घोषित हुई, उसकी कार्यकारिणी की बैठक थी, सब कुछ बहुत बढ़िया है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। जयंत चौधरी थोड़ा जुदा जुदा चल रहे हैं समाजवादी पार्टी से, ऐसा है क्या? अगर आप कार्य समिति की बैठक में आपने सुना, अभी आपने बताया है कि हमारा इंडिया गठबंधन के साथ साथ समाजवादी पार्टी के साथ बहुत मजबूत गठबंधन है और आगामी लोकसभा चुनाव भी हम मिलकर लड़ेंगे और हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। और उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का समर्थन भी किया है कि उन्होंने जो राजस्थान चुनाव को लेकर कहा वो सच कहा। चलिए अभिषेक वाजपेयी जी, ठीक है अभिषेक वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में क्या किसी प्रकार का मनमुटाव तो नहीं है जो जनता के बीच में एक संदेश प्रसारित हो रहा है? आप थोड़ा क्लियर करें। आवाज नहीं आ रही है अभिषेक जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए अभिषेक जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलते हैं, तमजीद जी हमारे साथ है। अहमद साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि कांग्रेस की अगर बात करें, आप इंडिया गठबंधन अलायंस में हैं, समाजवादी पार्टी भी आपके साथ है, आरएलडी भी आपके साथ है, इन लोगों से कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे आप लोग? ये नमस्कार, देखिए सामंजस्य सब स्थापित है और जाहिर सी बात है कि सबकी अलग अलग पार्टी है, सब अलग अलग बैठक है, अपने हिसाब से तैयारी में जुटे हुए हैं। अब जरूरी नहीं कि आरएलडी ने अगर कोई बैठक बुलाई है तो वो कांग्रेस को बुलाएगी और समाजवादी पार्टी को बुलाएगी, ये तो नेचुरल प्रक्रिया है। कोई पार्टी अगर है तो अपनी मीटिंग करते हैं अपने संगठन के हिसाब से, उसके हिसाब से मजबूती का काम करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कोई इंडिया गठबंधन की बैठक तो बुलाई नहीं आरएलडी ने, आरएलडी ने तो अपनी पार्टी की बैठक बुलाई। भाई अगर पार्टी की बैठक बुलाई है तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें कांग्रेस को बुलाए, उसमें समाजवादी पार्टी को बुलाए? तो अगर इतनी छोटी सी बात को लेकर अगर हम लोग ये एक इसमें अगर इसमें भी अगर कोई पेच ढूंढने लगे तो मेरी समझ से अन्याय होगा। ठीक है, अब जैसे कांग्रेस पार्टी, अब जी 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 जी, अभी कांग्रेस पार्टी सवाल और मेरा कि देखिए अभी कल की बात है, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर कुछ बोला था, कांग्रेस अभी आपने तीन राज्यों के आपने चुनाव के नतीजे देखे कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कैसे रहा और किस तरीके से थोड़ा सा कहते ना गाड़ी हल्की सी डिरेल हो गई थी, जिसके बाद कुछ लोग ये भी कहने लगे कि समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस हार गई, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, देखिए नतीजे उठा के देख लीजिए, बयान पे मत जाइए, जो तथ्यात्मक चीजें उसी पे बात हो सकती है। तथ्यात्मक चीजें ये है कि मध्य प्रदेश में किसका क्या प्रदर्शन रहा, आपके पास सारा डाटा है, 0.44% समाजवादी पार्टी को वोट मिला, राजस्थान और लगभग सभी सीटों पे जमानत जब्त हुई, राजस्थान में भी कमोबेश यही हाल था, तो ये कोई वजह नहीं थी समाजवादी पार्टी हारने और जीतने में, कोई फैक्टर नहीं था, तो इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग नहीं मान रहे और ना तो इसको कोई वजह मान रहे कि हम समाजवादी पार्टी की वजह से हार गए। ठीक है, उनका अपना दल है, वो अपने चुनाव लड़े, हम अपना हमारा अपना दल है, हम अपनी तरह से चुनाव लड़े, हार गए जनता ने। जी जी, कांग्रेस का एक बयान ये भी था कि अखिलेश यादव ने ये कहा कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए अपना, यानी टिकटों के बंटवारे को लेकर एक्सपेक्टेशन हाई है। नहीं देखिए, कांग्रेस ने हमेशा बड़ा दिल रखा है और हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब बैठा जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा, सारी बातें होंगी, तब जाके सीट बंटवारे की फैसला हो सकता है, हम लोग डिबेट पे तो फैसला नहीं ले सकते हैं। एक बार इंडिया गठबंधन घटक दलों के जसीर नेताओं की बैठक तय है और डेट आ जाएगी, उसके बाद सब लोग बैठेंगे इस चीज को, सारे शीर्ष नेतृत्व जब बैठेगा तो सारा समाधान निकल आएगा। जाहिर सी बात है कि सब लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ा जाए, लेकिन ये भी देखा जाएगा, ये भी समझा जाएगा कौन कहां से मजबूती से लड़ सकता है, तो ये सब चीजें फैसला हो जाएंगी, कोई बड़ा मसला नहीं है, ना कहीं कोई मतभेद है, ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, ऑल इज वेल, दैट्स व्हाट आई कैन से। ठीक है संजय चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे कि एक तरफ देखिए कई क्षेत्रीय पार्टियां जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई हैं, महागठबंधन बना लिया है, उस गठबंधन का नाम रख दिया इंडिया गठबंधन और बीजेपी वाले इंडी गठबंधन इस समय कह रहे हैं, तो चुनौतियां आपके सामने बहुत हैं और इन चुनौतियों को पार करने के लिए क्या कुछ आपकी रणनीति होगी? और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 का आप लोगों ने नारा दिया कि इस बार 80 सीटें लेकर आएंगे, तो थोड़ी रणनीतियां क्लियर कीजिए। देखिये, रणनीति एकदम स्पष्ट है, एकदम साफ है और एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। पांच राज्यों के चुनाव में जो होता हुआ दिखाई दिया है, जनता ने जो परिणाम दिया है, वो एक इस बात का स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की पसंद है और जनता ने उसे वोट दिया है। दूसरी ओर जो गठबंधन है वो अपने साथियों के साथ अलग तरह का व्यवहार करता है,
मध्य प्रदेश में कहते हैं कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है, प्रदेश स्तर पर कोई गठबंधन नहीं होगा, और वही कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जो लोकदल है उसको एक सीट देकर यह संदेश देती है कि यह गठबंधन प्रदेश के स्तर पर भी होगा। बात नंबर दो, अभी हमने देखा है लगातार, मैं कम से कम 10-15 वर्षों की तो बात कर ही सकता हूं, जब भी विपक्ष किसी राज्य में सत्ता पाता है तो उसके शपथ ग्रहण समारोह में कतार लगती है, मंच पर विपक्ष के सारे लोग हाथ में हाथ डालकर खड़े होकर एकता का संदेश देते हैं। लेकिन तेलंगाना के चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री पद की शपथ होती है तो उसमें कांग्रेस किसी भी सहयोगी दल को अपने मंच पर स्थान नहीं देती है। ये बताती है कि कांग्रेस एक हिडन एजेंडा के साथ इस चुनाव में जा रही है और विपक्ष के अपने साथियों को भी कमजोर करने की बात कर रही है। और बात नंबर तीन, जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, उस इंडी गठबंधन की अगर बैठक होती है तो उसमें अखिलेश जाने से इनकार करते हैं, नीतीश जाने से इनकार करते हैं, तो मुझको लगता है कि चुनाव का परिदृश्य, चुनाव के बाद की स्थिति और उस स्थिति के बाद गठबंधन की बैठक के होते समय जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे मेरे साथी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल नहीं है। यहाँ निश्चित रूप से कुछ ना कुछ षड्यंत्र की बू आ रही है और मुझे लगता है कि यही संघर्ष इस गठबंधन की परिणति है। और इस परिणति के आधार पर मुझे नहीं लगता कि जब भी किसी गठबंधन में आपस में मतभिन्नता होती है, सरकार में लड़ाई दिखती है, तो जनता उस सरकार को भी पसंद नहीं करती, उस गठबंधन को भी पसंद नहीं करती। मैं दो एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार गई, उसका कारण था अखिलेश और शिवपाल सिंह जी लड़ रहे थे। आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान के अंदर गहलोत और पायलट लड़ रहे थे। आप यही स्थिति छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां पर बघेल साहब और जो दूसरे उप मुख्यमंत्री थे वो आपस में लड़ रहे थे। सिंहदेव तो सिंहदेव लड़ रहे थे। पंजाब में देखिए, सिद्धू और अमरिंदर लड़ रहे थे। तो जब सत्ता के में बैठे हुए लोग आपस में लड़ते हैं, जनता उसे स्वीकार नहीं करती। और इंडी गठबंधन भी इसी प्रकार का संदेश दे रहा है कि वहां भी एकमत नहीं है, आपस में लड़ाई के लिए तीर तलवार और प्रत्यंचाएं चढ़ चुकी हैं। इसीलिए आप देखिए कि खुद अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस बहुत दगाबाज पार्टी है, इसको कोई वोट नहीं देना। इसका जवाब तमजीद अहमद साहब से मैं लूंगा। तमजीद जी, मेरा सवाल ये कि देखिए, आप लोगों ने तेलंगाना में सरकार बनाई, ये उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष के तमाम बड़े दिग्गज नेता आएंगे, इस तरह एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शपथ ग्रहण तो हो गया लेकिन जो एक मैसेज कन्वे होना था वो नहीं हो पाया, क्या वजह रही? देखिए, कोई वजह नहीं रही। एक तरफ हम लोगों के जो नतीजे आए हैं, हम लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए, ये बात एक समझिए। हम लोग, ये मौका शायद नहीं था कि हम लोग जाके वहां पे बहुत बड़ा मतलब एक खुशियों का उजहार करने जैसा कोई मौका नहीं था। कि जिस तरीके से नतीजे आए, जिस तरीके से चमत्कारिक नतीजे आए, मैजिकल नतीजे आए, तो इन सब चीजों को लेके हम लोगों ने मंथन किया। और ठीक है, खामोशी से हमने शपथ ग्रहण कराया। सब जो भी हमारा पूरा इस समय जो विचार था कि जो भी जनता से वादा किया उसको पूरा किया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए, कितना हास्यास्पद है कि ये किस तरीके से इंडिया गठबंधन के घटक दलों को लेके कमेंट कर रहे हैं। एक हफ्ते हो गया, आज तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने की हिम्मत नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी। इतनी टूट फूट है इनके खुद के नेताओं में। राजस्थान में देख लीजिए किस तरीके से सुंदर राजे जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, कमोबेश यही हाल मध्य प्रदेश में, कमोबेश यही हाल छत्तीसगढ़ में। इनके खुद के जो नेतृत्व है इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरों का नाम घोषित कर दे। और दूसरी तरफ जितने भी नेता है वहां पे, जिनके आप देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो आपका आपका राजस्थान हो, हर जगह जबरदस्त फूटा फूटा हुआ है कि जैसे ही नाम की घोषणा होगी ये पूरी तरीके से परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी में दो टूट हो जाए, दो फाड़ हो जाए। तो इस वजह से अपनी कमियां छुपाने के लिए इंडिया घटक दलों के जितने भी छोटे छोटे मुद्दे उनको हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए, जब खुद के घर जो है
शीशे के होते हैं ना, तो दूसरे घरों पे पत्थर नहीं मारा जाता संजय जी। आपकी हिम्मत नहीं कि आज आप बैठे हुए हैं इस डिबेट में, आप बता दीजिए कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, हफ्ते भर हो गया आप। और दूसरी बात ये, एक बात और जान लीजिए कि मुख्यमंत्री की घोषणा करने में देर क्यों कर रहे हैं। तेलंगाना में हमने जो वादा किया था जनता से, आज हमने पहले दिन ही उसको निभाने की बात करना शुरू कर दिया। इन्होंने जो वादा किया है कि 450 में सिलेंडर देंगे, 3100 में धान देंगे, तो ये चाह रहे हैं कि जनता का पूरा दिमाग इसी में भटका रहे कि मुख्यमंत्री कौन आएगा, इसमें जाए ही ना कि हमसे इन्होंने वादा क्या किया है। लेकिन झूठ की जो खाटी है ना, बार बार चढ़ती नहीं है बहुत। आगे वाले आने वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा कि 2024 के चुनाव में आप देख लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी के अभिषेक वाजपेयी जी, ठीक है अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे ठीक है इंडिया गठबंधन पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि 24 से पहले आप लोग एक साथ हैं। अब देखिए 7 तारीख को यह कहा गया कि इंडिया गठबंधन की बैठक कांग्रेस बुलाई, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी भी नहीं पहुंची, नीतीश कुमार भी स्वास्थ्य का हवाला दिए, तो ऐसे में आप भी गठबंधन के पार्ट है, अखिलेश यादव खुद को दूर कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो पार्टी जहां पर मजबूत हो वहां पर काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जनाधार ज्यादा है, तो ये क्या मान के चला जाए कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति है उसको अलग रखेगी, सीटों को बंटवारा को लेकर क्या फिर एक बार विवाद हो सकता है? देखिए मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए ये हमारा आला कमान तय करेगा, और इन चीजों में देखना चाहिए कि एक बात तो जरूर मैं कहूंगा कि अगर जहां पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को पहले भी कहा, मैं उस बात को दोहरा भी रहा हूँ, जिसका जहां पे जनाधार ज्यादा है उसके हिसाब से उसको लड़ना पड़ेगा। और जहां पे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप कहेंगे तो कहां पे कांग्रेस पार्टी का जनाधार है और तो वो परंपरागत सीट है, तो उसपे हम जरूर उस चीजों पर आदरणीय अखिलेश यादव जी विचार करेंगे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जैसा कि अभी हमारे संजय भाई ने कई चीजों को बोला, तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में एक बात और बोलूंगा कि देखिए जब बात इन्होंने बात कही मतभेद की, देखिए मतभेद नहीं होता है, लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में हर कोई अपनी अपनी बातों को रखता है, कोई सेटिस्फाइड कोई अनसेटिस्फाइड होता है, लेकिन लोकतंत्र में हत्या नहीं होती। आपकी पार्टी में कौन कौन सा व्यक्ति है सबको पता है, सिर्फ सर्वे सर्वा सिर्फ दो ही लोग हैं, या तो आदरणीय अमित शाह जी या तो आदरणीय मोदी जी, इसके अलावा किसी की भी सुनी जाने वाली नहीं। इसी वजह से आपने चुनाव में देखा कि कैसे जितने चुनाव में थे आदरणीय मोदी जी ने इस बात को कहा कि मेरे नाम पे आप वोट दीजिए, मेरे नाम पे आप वोट दीजिए, आप अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं, और इसका मतलब कि आप किसी व्यक्ति का चेहरा आपके पास नहीं, आपके पार्टी के अंदर क्षमता नहीं है कि आप किसी चेहरे के माध्यम से आप चुनाव लड़ सकते, तो आप किसी दूसरे के ऊपर क्यों प्रहार करते हैं आप? भाई हमारे यहाँ पे भी जब एक लोकतंत्र है, हम लोग सर्वसम्मति से बैठ करके चीजों को निवारण करेंगे और उसको आगे प्रारूप दे करके आगे तय कर लेंगे, तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा पेन वाली चीजें नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के पहले किए गए कामों को वो सिर्फ गिना रही है और उन चीजों को आगे बढ़ा रहा है, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। आपको याद दिला दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा था सदन के कि दो जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से विकास चालू हुआ, ठीक है, और लोकतंत्र में जितनी चीजों को देखा जाए उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि लोकतंत्र बहुत जरूरी है, इसके लिए हम सत्ता में रहे ना रहे यह जरूरी नहीं है, हम लोकतंत्र में लोगों की बातों को पहुंचा सके, लोगों की बातों को उठा सके और देश के हित में क्या काम किया जा सकता है उसके लिए आगे बढ़ा सके। तो आज भारतीय जनता पार्टी कहां पे खड़ी हुई है या किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। रणविजय जी, मेरा सवाल आपसे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जयंत चौधरी यानी आरएलडी की स्थिति मजबूत है, लेकिन वही अगर आप पूर्वांचल में चले जाइए, अन्य भागों में चले जाइए, आरएलडी उतना प्रभाव नहीं डालती है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में आप कैसे प्रभाव डालेंगे, कैसे अपनी बात मजबूती से रखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर? ऐसा नहीं है भाई साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति मजबूत है ये तो जग जाहिर है, लेकिन हम पूर्वांचल में, मध्यांचल में, अवध में, यहाँ पर भी हमारा संगठनात्मक ढांचा काफी मजबूत है और हम गठबंधन के साथ 80 की 80 लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव, और लगातार किसान मजदूर नौजवान की हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष कर रहे हैं, हमारा संगठन विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में हम आज प्रदेश कमेटी की बैठक भी हुई थी, लगभग सभी जिला अध्यक्षों जारी हो चुके, बूथ स्तर तक हमारा संगठन तैयार हो रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं, ये हमारा काम चल रहा है, आगे हम बूथ कमेटियां जल्दी गठित करने का निर्देश दिया गया है जिला अध्यक्षों को, हमारा काम बहुत तेजी से चल रहा है, काम बूथ स्तर तक जी।
काम तेजी से चल रहा है, जनता भी आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है कि युवा पार्टी है, युवा नेता है, तो युवाओं के लिए कुछ रोड मैप है आपके पास? बिल्कुल है। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धरने पर बैठे नौजवानों से मिलने गए हैं और उनके लिए अग्निवीर के लिए हमने सबसे पहला अगर सरकार का विरोध अग्निवीर के ऊपर किया तो हम लोगों ने किया। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गांव-गांव जाकर उनकी नीतियों को विरोध बताया कि इनकी नीतियां क्या हैं। युवाओं को आज सरकार ठगने का काम कर रही है, 9% बेरोजगारी बढ़ रही है हर साल, 9% बेरोजगारी। अच्छा ये बताइए रणविजय जी, आप कह रहे हैं कि युवाओं को सरकार ठगने का काम कर रही है, क्या सरकार ने क्या ठगा है, थोड़ा ये स्पष्ट करेंगे क्या, दर्शक भी जान जाए आप कह रहे हैं कि ठगा है, मैं भी जान जाऊं। आज ठेका प्रथा चल रही है भैया, ठेके पे भर्तियां हो रही है, किसी भी विभाग में ले लीजिए 10,000-12,000 रुपए पे उन्हें। अभी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना भी चलाया जा रहा है, 40,000 रुपए युवाओं को दिया जाएगा, इसको इसके विषय में थोड़ा आप जानते हैं? कितने लोगों को दिया जाएगा, कितने दिन तक दिया जाएगा, इसका जवाब तो देंगे संजय जी। संजय जी चलिए ठीक है, इसका जवाब दीजिए। अभी ये कह रहे थे कि युवाओं को ठगा जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि युवाओं का हम सबसे ज्यादा भला कर रहे हैं, अभी सीएम फेलोशिप योजना भी इनकी तरफ आपकी तरफ से चलाई जा रही है, और साथ ही 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया गया था, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया गया था। चलिए ठीक है, ठीक है संजय जी, इसका जवाब ले लीजिए। अब आपने आरोप लगाया है, मैंने सवाल पूछ दिया, आप जवाब लीजिए। संजय जी बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि जिस राजस्थान में इन्होंने कांग्रेस के साथ जाकर चुनाव लड़ा, आज देश में बेरोजगारी की सबसे बढ़ी हुई दर उसी राजस्थान में है। इस राजस्थान में कांग्रेस ने बेरोजगारी देश के हर राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ाकर रखी थी। उस राज्य में कांग्रेस का साथ देने के लिए लोकदल खड़ा हुआ। दूसरा, ये लोग कहते हैं कि हमने ये महंगाई कम करेंगे। राजस्थान में पेट्रोल का रेट उत्तर प्रदेश की तुलना में, सवाल के जवाब में सवाल कहां से आ गया? एक सेकंड आपको भी जवाब, आपको भी जवाब दे रहा हूँ, आपको भी जवाब दे रहा हूँ। ये जवाब देना उचित नहीं समझता, सवाल पे सवाल करना चाहते भाई साहब। नहीं, अच्छा आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देंगे, ये उत्तर प्रदेश में कहा गया था? कहा गया था सर? उत्तर प्रदेश नहीं, आप बताओ। शायद मुझे लगता है पूरे देश भर में कहा गया था, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश एक कहता है, और उसमें कितनी कैटेगरी होती है, आपने 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 जितनी भी चीजें चला रखी हैं। चलिए हमारे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय चौधरी जी आपका, और तमजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, रणविजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बड़ी बहस पर हमने जाना कि आखिरकार क्या समाजवादी पार्टी में और आरएलडी के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन की बात कर लिया जाए तो अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, कई सारे दिग्गज 7 तारीख को जुटने वाले थे इंडिया गठबंधन के, नहीं आए। अब 17 तारीख का इंतजार है, देखना होगा कि क्या ये सब दिग्गज पहुंचते हैं, और पहुंचेंगे तो एनडीए को इंडिया गठबंधन कैसे रोक पाता है 2024 में, ये देखना बेहद ही दिलचस्प है। बड़ी बात में मेरे